ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਆਇਓ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਨੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਲੋ ਚੱਲੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਲਾ और ये गुरु साहब की बख्शिश मिलती है सारा जगत आता स्पष्टीकरण दोबारा देना पै रहा कारण सुनवाई नहीं होती नहीं दोबारा तो मेरे ख्याल नहीं है अगे असी फाइल दे गए सी उही असी रिमाइंड कराने वास्ते आए हैं जेडे कुछ तत्थ शायद वो नहीं दिते गए सी वो सारे तत्थ भी असी श्री अकाल तख्त साहब सबमिट किए ने श्री अकाल तख्त साहब ने 22 अक्टूबर 2022 लैटर लिख के तख्त पटना साहब की कमेटी को जी जांच रिपोर्ट से उसकी मांग की कि जब जांच जी है मुकम्मल हो जाए सॉरी तो वो रिपोर्ट श्री अकाल तख्त साहब भेजी जा पर उतों के निज़ाम ने उस रिपोर्ट को 2 साल तो भी ज़्यादा दबा के रखा और रिपोर्ट श्री अकाल तख्त साहब ना भेज के उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब के आदेश की भी उलंघना की जेडे उत्थे सज्जन है ने वो पंज प्यारियां च शामिल होने के अधिकारी नहीं खास करके सिंह साहब ज्ञानी बलदेव सिंह जी जिन्हां नूं श्री अकाल तख्त साहब वालों आदेश से भी तुसीं पंज बाणियां दा पाठ सुनाओ उन्होंने हो केयर कर दिता भी मैनू मैं नहीं सुनाउंदा जो करना कर रहा या तो बाणियां उन्होंने आउंदियां नहीं तो जे बाणियां नहीं आउंदियां तो फिर जे पंजां प्यारां शामिल होने वाले सिंह नूं बाणियां दा पाठ नहीं आउंदा तो फिर जिहड़े उन्हां कोल अमृत छकणगे या जिन्हां ने हज़ारां ही लोगों ने अज तक अमृत छकिया हैगा वह अपने आप नूं किहड़े खाते च रखणगे रहत मर्यादा दे भी बहुत जिहड़े अपने आप बने पंज प्यारे ने ढिले ने परिवारां च सिक्खी नहीं सगो परिवारां च सिगरट बीड़ी तंबाकू का वर का जोड़ा है वह सिलसिला चलता जो कि गुरमत अनुसार बजर कुरैत इस करके उन्होंने तो न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती वो तो यह भी कोशिश कर रहे हैं भी श्री अकाल तख्त साहब से भी सुनवाई ना हो सिंह साहब एक चर्चा चल रही है कि ज्ञानी इकबाल सिंह दोबारा तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब के जथेदार वजो नामजद कर दिया जाए देखो जी ये तो हूँ खालसा पंथ की मर्जी है उन्होंने 3 विआह है 3 जनानियाँ उन्होंने हैगियां ने घरवालियाँ एक का नाम कुलवंत कौर है एक का नाम इंद्रजीत कौर है एक का नाम बलजीत कौर है जे तो एक नारी जती हुई का सिद्धांत है फिर खालसा पंथ ने ही देखना इस बारे बाकी मेरे वालों तो भावें जिन्हों मर्जी ला देन मैंने तो कोई इतराज नहीं पर तुहाडे ते इल्जाम लगाए गए सी ना करप्शन दे उन्हां नूं किद्दां वो सारे क्लीयर हो गए जब जांच होई आर एस सोढ़ी चरणजीत सिंह जनरल सकत्तर तख्त पटना साहिब आर एस सोढ़ी जस्टिस रिटायर्ड जज दिल्ली हाई कोर्ट अजीतपाल सिंह बिंद्रा माइनोरिटी कमीशन दिल्ली कोई सड़क साफ बंदे नहीं है जिन्हां ने जांच की है वो वड्डियां पदवियां ते ने हाईली क्वालीफाइड ने उन्हें हर पहलू से विचार की और ये पाया भी दोष कोई नहीं है खाली बल्कि उन्होंने प्रबंध का दोष कढ़िया भी इन्होंने जो प्रोसीजर फॉलो करना से नहीं किया जथेदार साहब को असी सारे जोड़े तत्थ ने वो बकायदा सारे लैटर सारा कुछ जो कुछ सबूत ने सारे दिते छे तरीक वाली मीटिंग का नहीं मैंने अभी पता बाकी असी जो देना से सारा कुछ देता वह रिसीविंग उन्होंने सानू दी है उस पर विचार करेंगे सिंह साहब आखिर कोई भी हो
मेरा तो गुरु की कृपा ना दोषी कोई नहीं है, मैं तो मैंने तो एवं फसाया गया। अगर कोई दोषी भी हो तो श्री अकाल तख्त साहब ही हाजिर होएगा, इस तो बाद कित जाएगा। डॉक्टर समरा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर जा रहे हो? डॉक्टर समरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मैं सीधा सीधा तो नहीं कर रहा, वैसे लोगों ने संगत ने उतों के प्रबंध ने उधर ते FIR की हुई ने, ठीक 40 तो वध FIR उस ते अगे ही है। करतारपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है और क्रिमिनल है बहुत वड्डा, बड़े उहदे ते केस ने, इस करके मैं होर उहदे ते मैं सीधा सीधा तो कोई FIR मैं नहीं की, ना मैं किसी करवाई है, बाकी गुरु पंथ जाने तो वह जाने। देखो जथेदारी तो गुरु की मर्जी है, उन्हें किनू देनी है किनू नहीं देनी, मैं तो सिर्फ इन्ना कह रहा पंत नूं भाई मेरा दोष कोई नहीं, श्री अकाल तख्त साहब नूं इन्ना कह रहा भी दोष कोई नहीं है, दोष सिर्फ इन्ना ही है भी ईमानदार हूं। और मैं ये कहना चाहना कि गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सज़ा को जानते हैं हम, खुदा जाने खता क्या। सिंह साहब किधरे है तो नहीं गा कि तुम अकाल तख्त साहब की रहत मर्यादा पटना साहब से लागू कराना चाहते सी, अकाल तख्त साहब की सर्वोच्चता प्रवान करते सी, पंथ विरोधी ताकत जिहड़ियां अकाल तख्त साहब नूं नीवां दिखाना चाहुंदियां ने, उन्हां ने तुहाडे खिलाफ एक साजिश रची? देखो ये तो है ही है, ये तो नज़र आ ही रहा, श्री अकाल तख्त साहब की सदा ही सर्वोच्चता रही है और सब नूं श्री अकाल तख्त साहब की सर्वोच्चता के सामने नतमस्तक होना चाहिए और यह सारी उम्र यतन रहा है, यतन रहेगा कि श्री अकाल तख्त साहब की जिहड़ी सर्वोच्चता हैगी। अकाल तख्त साहब अपना सरदार चरणजीत सिंह जी की इमारत नहीं है, जथेदार श्री अकाल तख्त साहब सदा ही हुण साढ़े 37वें जथेदार ने जथेदारी परंपरा दे 418 तो 600 तो लैके अज तक का जो इतिहास देखिए 418 साल का वकबा बनता है, उहदे विच 35वें जथेदार श्रीमान सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी और 36वें सत्कारयोग सिंह साहब अठ ग्रंथी श्री दरबार साहब और जथेदार श्री अकाल तख्त साहब श्रीमान ज्ञानी रघुवीर सिंह जी। अकाल तख्त साहब की परंपरा रही है, भावें सारे ही तख्त साडे सन्मान योग ने पर जदों पंथ ते भीड़ बनी है तो अगवाई श्री अकाल तख्त साहब ने की। श्री अकाल तख्त साहब की अगवाई जे जिन्नी जल्दी सारे ही प्रवान कर लैन, पंथ प्रवान कर ले, उन्नी जल्दी सारे मसले हल हो सकते हैं। अज भी जो बखेड़े नज़र आ रहे हैं, वखरेवे नज़र आ रहे हैं, वो सारे श्री अकाल तख्त साहब समर्पित होकर ही दूर हो सकते। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।